दोस्तों नासा अपने मंगल ग्रह के ऊपर 5 से ज़्यादा रोवर भेज चुका है और दोस्तों यह ऐसी स्पेस एजेंसी है जो कभी हार नहीं मानती। अपोलो जैसा मिशन इसने कर दिखाया और दोस्तों मंगल ग्रह के ऊपर करीब 4 रोवर उतारने के बाद भी नासा अभी नहीं रुक रहा है। परसिवियरेंस रोवर को दोस्तों हाल ही में 2021 में उसने मंगल ग्रह के ऊपर एक मार्स हेलीकॉप्टर के साथ उतारा जो दोस्तों पास हो गया है। दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी है दोस्तों, यह कई सारे स्पेस क्राफ्ट को कई सारे ग्रहों पर भेजने में कामयाब रही है। वॉयेजर जैसा स्पेस क्राफ्ट भेजने के बाद भी दोस्तों इसने हार नहीं मानी और अपोलो जैसे कई मिशन को प्रयास करके उसको सक्षम बना दिया। दोस्तों ऐसे ही मिशन को करने जा रहा है नासा, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न का मून टाइटन के ऊपर ड्रैगन फ्लाई मिशन को उतार जाने की बात की जा रही है। दोस्तों नासा मंगल ग्रह के ऊपर तो काफ़ी सारे मिशन लॉन्च करता आया है और सक्षम रहा है, लेकिन दोस्तों शुरुआती मिशनों में उसे मंगल पर भी नाकामयाबी हासिल हुई थी। हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम मिशन दोस्तों, जो कि पहली बार में पहुंचने वाला एक ऐसा मंगलयान बना था जिसने इसरो की दुनिया भर में तारीफ करा दी थी। और दोस्तों सैटर्न के मून टाइटन के ऊपर ऐसा ही मिशन करने जाने वाला है नासा। और दोस्तों नासा का इस बार मिशन है कि वहां का एटमॉस्फेयर यूज करके किसी स्पेस क्राफ्ट को नीचे उतारना। दोस्तों जब कैसिनी हुईगन से स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था टाइटन के ऊपर, तब उसने बताया था कि यहां पर ठोस सरफेस मौजूद है, यह ग्रह दोस्तों बना नहीं है किसी गैस से। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से हुईगन से स्पेस क्राफ्ट ने मंगल ग्रह की तस्वीरें ली थी। दोस्तों यह काफ़ी दूर वाली एक ऐसी तस्वीर है जो बताती है कि आखिर टाइटन पर किस तरीके से पत्थर और वहाँ पर दोस्तों सरफेस मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने के बाद भी दोस्तों टाइटन के ऊपर काफ़ी अच्छा वातावरण मौजूद है दोस्तों, जैसा कि हमारे धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर यूज होता है। दोस्तों सैटर्न का मून टाइटन के ऊपर काफ़ी समय पहले से हम लोग नज़र बनाए के रखे थे। वैज्ञानिकों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी इस ग्रह से। दोस्तों इसके ऊपर ड्रैगन फ्लाई मिशन को उतार कर इसके ऊपर ड्रिल करा देने की बात की जा रही है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ड्रैगन फ्लाई मिशन को इसके ऊपर उतारा जाएगा और इसी के ऊपर उड़ान भराई जाएगी। दोस्तों यह एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट तैयार कर रहा है नासा जो दोस्तों चलेगा नहीं बल्कि उड़ने का काम करेगा। मंगल ग्रह के ऊपर दोस्तों कई सारे स्पेस क्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यूनिक होगा यह स्पेस क्राफ्ट। इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर टाइटन की मिट्टी को जांच करने वाले ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे दोस्तों, जो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। हमारा स्पेस क्राफ्ट जो कि दोस्तों ड्रैगन फ्लाई मिशन होने वाला है, यह अपने पंखों की मदद से उड़ने की कोशिश करने वाला है और दोस्तों इसे डायरेक्ट उड़ान के दौरान ही लैंड करा लिया जाएगा। अगर यह सक्षम होता है तो काफ़ी ज़्यादा मिशन में हमें सफलता मिल जाएगी। दोस्तों नासा का ऐसा पहला फिक्स मिशन बनने वाला है ड्रैगन फ्लाई मिशन कि दोस्तों यह टाइटन के ऊपर डायरेक्ट उड़ने की कोशिश करने वाला है। दोस्तों इसमें कोई चक्के नहीं लगी हैं जिसकी मदद से सरफेस पर चलेगा। दोस्तों इसका सीधा काम है एटमॉस्फेयर का यूज करके वहाँ पर उड़ान भरना। और दोस्तों अगर यह सफल हुआ तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सैटर्न के मून टाइटन के ऊपर दोस्तों काफ़ी शानदार वातावरण मौजूद है जो कि इंसान की सांस लेने के बराबर तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी जांच करने पर पता चलता है कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी और माइक्रो ऑर्गेजम अगर पाए जाते हैं तो धरती की तरह जीवन यहाँ पर भी दोस्तों पनप सकता है। मंगल ग्रह के बाद दोस्तों टाइटन को भी एक जीवन वाले प्लैनेट की तरह देखा जाता है। और दोस्तों टाइटन के ऊपर लिक्विड मीथेन मौजूद है जो कि दोस्तों लिक्विड फॉर्म में है। दोस्तों आप समझ सकते हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा ठंडा होगा जब वहाँ पर मीथेन लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। ड्रैगन फ्लाई मिशन इन सभी चुनौतियों को पार करके वहाँ पर काम करने वाला है। दोस्तों अब देखते हैं यह कैसे सर्वाइव करेगा जब यह मिशन लॉन्च होगा। दोस्तों ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के अंदर 8 दोस्तों प्रोपेलर मौजूद होंगे जो उसे उड़ाने में मदद करेंगे और दोस्तों वहाँ का एटमॉस्फेयर यूज करके ही यह उड़ पाएगा। इसमें रेडियो आइसोटॉपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बैटरी को डाला गया है दोस्तों, जो कि गर्मी का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। और दोस्तों ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही एक वीडियो बना के रखा है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में आप सभी को यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।